हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप मुझे रही सुबह के 9 और अभी अभी मोबाइल मेरे हाथ में है तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है। और ना आज आमोशा भी है तो इसलिए घर में झाड़ू पोछा पूरे घर में क्लीनिंग हो चुकी है। फिर उसके बाद ना आकर मैंने पहले पूजा कर ली है और आज दिन गुरुवार का है और डेट है 10 जून और आज व्रत भी रहता है हमारा, तो भगवान को पीतांबरी लगाकर अच्छा देंगे। सुबह भी एक बार चाय बनाई थी तो व्रत है इसीलिए अभी एक बार चाय बनाई है। और यहाँ पर थोड़ी सी फलियाँ भी भून ली है, दोपहर में खाने आ जाएगी। जब रोटियाँ बनाई थी मैंने तभी उसी तवे के ऊपर मैंने फलियाँ भून ली है और वैसे ही गर्म रख दिया, तवा भी गर्म है तो चाय पी लेती हूँ। गुरुवार का दिन है तो इसीलिए थोड़ी सी फलियाँ भून ली है और आपने बनाने मूँगफली और गुड़ की चिक्की जो बहुत टेस्टी है और सबको बहुत पसंद आती है। यहाँ पर ये कटोरी बनके ये मूँगफली ले ली है और ये भी कटोरी बनके ही गुड़ है, इसके लिए मैं ले लिया है दोनों कटोरी में। तो पहले हम मूँगफली भून लेते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिए गर्म होने के लिए। पहले ये मूंगफली हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। धीमे गैस पर तसली से भून लेते हैं ताकि इसके जो छिलके हैं वो सारे उतर जाए। इस तरह से हमें अच्छे से इसे भून लेना है। कितनी तेज हवा है ना, तो देखिए गैस की जो आग है इधर उधर हो रही, बिल्कुल रह नहीं पा रही है, बहुत तेज हवा है और ये हवा खिड़कियों से नहीं आ रही, बाहर गेट से डायरेक्ट अंदर हवा आ रही है। गेट बंद है फिर भी इतनी तेज हवा है, तो इसीलिए टाइम लग रहा है मूंगफली भूनने में, क्योंकि यार ना सही से जाए मेरी इधर हो रही है और उधर हो रही है। तो मूंगफली अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये मूंगफली अच्छे से भून चुकी है तो इसे ठंडे होने के बाद इसके छिलके सारे उतार लेंगे और इसे दो भागों में कर लेंगे। मूंगफली के सारे छिलके मैंने उतार लिए हैं और इसमें ना 2 से 3 भागों में इसे इस तरह से कर लिया है। आप चाहो तो अभी भी थोड़ा सा बारीक चाहिए तो कर सकते हो या साबुत मूंगफली रख सकते हो। मैंने इसे 2 से 3 भागों में इस तरह से कर लिया है और यहाँ पर कड़ी के गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे घी। और घी ख़त्म हो गया है नहीं है तो ये देखिए बिल्कुल आधा चम्मच घी निकला है, तो इतना सही डाले दे रही हूँ। मलई है उसका घी निकालना है मुझे, बस इन्हीं कामों से टाइम नहीं मिल पाता है तो ऐसे फ्रिज में रख दिए। तो घी आधा चम्मच घी डाल दिया है, आपके पास ज़्यादा घी हो तो 1.5 चम्मच घी डाल देना। अच्छी टेस्टी और एकदम क्रिस्पी चिक्की बनती है ये। तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, मैंने धीमी गैस पे इसे इस तरह से रख दिया है और मिलाती रही हूँ। अच्छे से गुड़ सारा पिघल गया है। तो अब हम यहाँ पर इस थाली को थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे चिकना कर लेंगे ताकि ये चिक्की इसके ऊपर चिपके ना। तो इस तरह से हाथ से पूरे थाली में मैंने घी लगा लिया है। अभी गुड़ भी तैयार है, अब इसके अंदर हम ये मूंगफली डाल लेंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। धीमी गैस पर ही हमें कर लेना है, फुल गैस ना करें। अब इस प्रोसेस में हमें गैस बंद कर लेनी है और इस तरह से मिलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई भी ना बहुत देर तक गर्म रहती है। अब हम इसे इस थाली में निकाल लेंगे और बहुत फटाफट से बन जाती है। देखा ना आपने, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हो जाती है चिक्की। बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी और सबको बहुत पसंद आती है, खास करके बच्चों को। तो थाली में मैंने इसे निकाल लिया और इस कटोरी की मदद से इसे इस तरह से थाप ले रही हूँ, क्योंकि गर्म गर्म है और गर्म गर्म ही हमें इसे थाप लेना है, फैला देना है। जितनी पतली चाहे उतनी आप पतली कर सकते हो इस तरह से कटोरी से, इस तरह से थाप के।
तो इस तरह से इसे फैला दिया है। अब तुरंत तुरंत ही हम इसमें इस तरह से इसके पीसेस काट लेंगे। हमें अलग अलग नहीं करना है, बस निशान बना लेने इस तरह से। ठंडे होने के बाद ना ये नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा सा गर्म है तभी हम इस तरह से इसमें ये निशान लगा लेंगे। बाद में इसके आसानी से पीसेस बन जाएंगे। तो इस तरह से मैं कड़छी से इसके पीसेस बना ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे से पीसेस इसके बना लिए हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है ये, अब हम इसे निकालेंगे। तो ये देखिए कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं चिपका है और एकदम क्रिस्पी है चिकी, और इसके पीसेस देखिए कितने आसान तरीके से निकलते जा रहे हैं। जैसे दुकानों में मिलती है ना, बिल्कुल उसी तरह से चिकी बनकर रेडी हो चुकी है। एकदम क्रिस्पी बनी है चिकी, बहुत अच्छी, बहुत स्वादिष्ट। तो पहले दीपक दिनेश के लिए दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना सब्र नहीं हो रहा है, मैं जब से चिकी बना रही हूँ तब से बोल रहे हैं। तो दीपक दिनेश के लिए पहले ये दे देती हूँ। तो ये देखिए दिख रही है ना, बाहर से लाई हुई, घर पे बनाई हुई तो बिल्कुल नहीं लग रही है। कितने अच्छे और कितने अच्छा है इसका कलर, तो देखिए कितना सुंदर आया है। तो यहाँ पर ना कपड़े के साबुन मैंने बकेट में डाल कर रखा है, तो दीपक निकाल दे रहा है। सुबह सबने खाना खा लिया था, तो बर्तन और ये चिक्की बनाए हुए सारे बर्तन कड़े वगैरह सब मांग लिए, और ये किचन क्लीन कर दे रही हूँ। चिक्की जाऊ बघा, मागून आहे म्हणे बघ, हा देता देतो हे भयाना घे, मला चिक्की दे, चिक्की दे, चिक्की दे, चिक्की सबको बहुत मजेदार लगी, बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी लगी थी। दीपक को ना तो एक बात पहले पे दे दिया था, फिर बाद में मुझे बोला उसने, मैं तुम्हें बयाना देता हूँ मम्मी, बात को इनकार मत करना। उसने कभी कभी ये सुनता है ना, वो कभी हम घर किराए पे ले लेते हैं या फिर कोई कुछ सामान लेना हो तो पहले बयाना दे देते हैं, तो कई बार सुनता था दीपक। तो वो मुझे एक दिन बोला कि बयाना मतलब क्या होता है, बयाना क्यों बोलते हैं ऐसा, बयाना क्यों देना पड़ता है, 10 रुपये 50 रुपये बयाना देते ही क्यों हैं, पैसे तो हमें पूरे देने ही होते बाद में। तो मैंने बोला कि गारंटी होती है बयाना देने से ना, वो चीज़ हमारी है ऐसा है गारंटी की तरह, तो बात को रखा जाता है, तो इसलिए 10 रुपये क्यों नहीं, 50 रुपये क्यों नहीं होता, बयाना दे दिया जाता है पहले जब हमें वो चाहिए होती है, फिर बाद में हमें मुकरना नहीं होता है, देना ही होता है जब हम एक बार बयाना ले लेते हैं। तो वही बात उसने दिमाग पर रख के क्या बोल रहा है मुझे, मैं बयाना दे देता हूँ मम्मी, मुझे एक चीज़ दे दो। मैंने बोला क्या चीज़ चाहिए, तो बोल रहा है मुझे चिक्की दे दो। पहले उसने खा ली थी, मुझे लगा पेट दर्द हो जाएगा, बच्चों को चिक्की ऐसे मीठी चीज़ें पसंद तो बहुत आती है, मगर बाद में पेट दर्द होने लगता है उनको, तो इसीलिए मैं उसे पहले दे दी थी, फिर बाद में बोला तुम बाद में खा लेना, नहीं दूंगी। तो बोल रहा है मैं पहले बयाना दे देता हूँ तुम्हें, पहले मुझे बाद में, तुम एक बार इस बात से इनकार मत करना, मुकर मत जाना, मुझे देना ही पड़ेगा। तो उसने बयाना दे दिया मुझे 20 रुपये, और बाद में चिक्की ले ली। बहुत टेस्टी चिक्की बनी थी, जैसे दुकान में मिलती है ना बिल्कुल उसी तरह से बनी थी। तो आप भी ट्राई कर लेना, बहुत टेस्टी है चिक्की लगती है, और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, बच्चों के क्या हम बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, मैंने भी बहुत खा ली। और अब बज रहे 2:04, तो दिन गुरुवार का ही चिक्की तो खा ली, तो आप थोड़ा सा मीठा और कुछ खाने का बोले तो यहाँ पर दही ले लिए, देखिए दही ले ली, इसमें चीनी डालकर खा लूँगी, मुझे दही ना बहुत पसंद है,
और दिनेश के पापा को भी दही दे दिए, उनको भी चिक्की भी दी है और दही भी उन्होंने खा ली है। अब मैं भी खाने जा रही हूँ थोड़ी सी दही, क्योंकि मन रह नहीं पा रहा, दही बहुत पसंद है। तो आ जाए अभी मेरे साथ दही खाने के लिए, की दही। अब बज रहे शाम के 5 और पूरे घर में झाड़ू लगा दी है और जो बर्तन पड़े थे दूध निकाल दिया है, सारे बर्तन मार लिए, फिर भी चिकनी दही ऐसे खा लिया है आज। तो खाना बन रहा है, तो ये देखिए दाल चढ़ा दी है, अरहर की दाल थोड़ी सी मिर्च की फलिया डालकर बनाऊंगी, चावल रोटी और छाछ बनाऊंगी, ये सब खाना बनेगा सिंपल सा। तो अब इसी के साथ वीडियो का यहीं पर कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।